वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 बिहाइव के टेक्स्ट बुक, मेरा क्लास 9 इंग्लिश के टेक्स्ट बुक बिहाइव के चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक इंसान और एक जानवर के बीच में बॉन्ड को दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। और दोस्तों, दूसरी बात कि थैंक यू दोस्तों आपके, आप सभी के प्यार के लिए मैं उतने से वीडियो डाल रहा था, फिर भी आप लोगों ने मेरा रियल टाइम व्यू को बहुत ही अच्छा रखा। मैं सब्सक्राइबर को कम नहीं दिया, मैं सब्सक्राइबर हमेशा बढ़ता गया। दोस्तों, थैंक यू आपके लव के लिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, और उसके जस्ट बगल में जो घंटा है उस घंटे को भी क्लिक कर दें। और अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप अगर घंटे को नहीं क्लिक किए हैं तो घंटे को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, और दोस्तों इससे ऐसा करने से मुझे कोई पैसे से नहीं मिलते हैं, ये बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे मिलता है, मुझे इनकरेज करता है वीडियो बनाने पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है ये चैप्टर में। दोस्तों, अब इस समय आपके लिए एक सरप्राइज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे बगल में कंप्यूटर स्क्रीन है। दोस्तों, ये एक न्यू मेथड ऑफ टीचिंग का जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि मेरे बगल में कंप्यूटर स्क्रीन होगा और मैं यहाँ पर आपको फेस टू फेस एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय को गवाए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ बिफोर यू रीड सबसे टॉप में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बिफोर यू रीड में जो सबसे पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि क्या कोई भी मानव कभी किसी जानवर का दोस्त बन सकता है? अगर हाँ, तो उसके बाद ये फिर ये लिखता है इस पॉइंट में कि तो चलिए अब पढ़ते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ऑथर ने एक अनाथ भालू को अडॉप्ट किया था। और चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। उसका सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट में ऑथर बोलते हैं कि जो असली भालू जो होता है, वो असली भालू जंगल में होता है, जिसमें कि जो जंगल जहां ज्यादा पानी मारता है, जहां पर बहुत बड़ा पेड़ रहते हैं, वो जंगल भी शामिल है। और इन भालुओं के जो बाल होते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, और ये जो भालू होते हैं उनके जो थूथन, मतलब कि यहाँ पर का जो एरिया होता है उसका मुंह के पास वाला एरिया, वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता है। और ये भालू जो अपना केव बनाते हैं, मीन्स इन भालू में इतना शक्ति होता है कि अपना केव बना सकते हैं, यानी मतलब कोड़ाई करके, जमीन को खोद करके ये केव बना सकते हैं ताकि अपना खाना को ले सके। और हम लोग इनको मीलों दूर तक इनको खाते हुए अपने शिकार को, मतलब उस केव के जरिए चूसते हुए सुन सकते हैं। और इनके शिकार में मेनली दीमक होते हैं, दीमक, चींटी और बहुत तरह के इंसेक्ट्स। अब स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो दोस्तों, अब इस स्टोरी में सबसे पहले जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो ऑथर जो थे वो ब्रूनो, मिस इस भालू को अपनी बीवी को गिफ्ट किए थे। और उसके बाद बोलते हैं कि ये भालू एक दुर्घटना के कारण उनको अपनी बीवी को गिफ्ट किए थे। और उसके बाद अब चलिए, अब मेन सीन आया है स्टोरी में, अब दुर्घटना की बात आती है। दुर्घटना क्या था, वो क्या था वो दुर्घटना जिसके कारण ऑथर उस भालू को अपनी बीवी को गिफ्ट कर पाए? तो चलिए, घटना ये था कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत जगह पर जंगली सुअर खेतों में घुस जाते हैं, बहुत तबाही करते हैं, वही कारण वही चीज यहाँ पर भी हो रहा था कि बहुत सारे जंगली सुअर खेतों में घुस चुके थे और खेत को, खेत की फसल को नष्ट कर रहे थे। उन्हीं जंगली सुअरों से खेत को बचाने के लिए लोग उन सुअरों को गोली मार मार के भगा रहे थे। गोली मीन्स ये गोली मार के उन लोगों को भगा रहे थे। उसी वक्त ऑथर और उनके कुछ साथी एक गाड़ी पे जाकर, वो लोग यही काम कर रहे थे और उन भालुओं को भगाने की कोशिश कर, मतलब कि उन क्या बोलते हैं, सुअरों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही उसी वही जो भगदड़ था उसी में बीच में एक भालू, एक मतलब कि मादा भालू बाहर निकल आई। और जब मादा भालू बाहर निकल आई तो मतलब कि जो ऑथर थे, तो ऑथर तो एक प्यारी सी, मतलब एक नादान, एक मासूम भालू कैसे मार सकते, तो उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन उनकी, उन्हीं के एक साथी ने
ये सब कुछ नहीं सोचा, उसने गोली चला दी उस भालू पर, तो वो जो मादा भालू थी वही मर गई। तो ऑथर को ये देख करके बहुत ही खराब लगा, बहुत खराब लगा उसको, तो बिना मतलब ये मारी गई। तो ऑथर उस भालू को ही देख रहे थे, तो थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि वो जो भालू जो थी उसकी पीठ पर एक बाल का, मतलब बाल एकदम से कि लग रहा है कि ऑथर जो, मतलब जो उसका फर है, फर के ऊपर जो भालू का है, मतलब भालू के फर के ऊपर ऊपर का फर उसका अपने आप हिलने लगा। ऑथर देखिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या है ये। उसे थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो जो फर रहता है, फर निकल करके वहां से एक बच्चा निकलता है, भालू का बच्चा। तो वो जो भालू का बच्चा है, तो ऑथर समझ जाते हैं कि वो भालू का बच्चा अपनी माँ की पीठ पर था, और जब इसकी माँ को गोली लगी तो उसकी माँ गिर गई, लेकिन भालू का बच्चा अपनी उसकी माँ को पीठ पर पकड़ा हुआ था। तो उससे बाद जो भालू का जो बच्चा होता है उससे वो निकल जाता है और इधर बैठ जाता है। उसके बाद जब वो बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है, तब ऑथर उस बच्चे को पकड़ने के लिए, ऑथर उसके सारे मित्र उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो वो बच्चा घबरा करके जो गन्ने के खेत थे, गन्ने के खेत में जाके दौड़ने लगता है, उधर दौड़ मतलब उधर जाने लगता है, गन्ने खेत में दौड़ के जाने लगता है। तो उसके बाद उसके जो ऑथर और उसके जो मित्र लोग हैं सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। बहुत ही मेहनत कर, बहुत ही मकस मतलब कि बहुत मेहनत करने के बाद फिर उन लोगों को सफलता मिलती है ब्रूनो को पकड़ने में। मतलब उसे ब्रूनो, उसका नाम लेकर उसे बस भालू समय था, तो उसको पकड़ने में, और उसको ऑथर इस तरह से पकड़ते हैं कि भालू मचिन भाग रहा है, तो ऑथर उसकी गर्दन को पकड़ते हैं, उसकी गर्दन के जो फर रहता है उसको पकड़ लेते हैं। तो उस समय ब्रूनो पकड़ में आ जाता है, तो उसी समय ऑथर उस ब्रूनो को एक बड़े से बैग यानी कि एक बड़े से बोरे में डाल देते हैं। अब बोरे में डालने के बाद फिर वो उसको ले जाते हैं, और जब ऑथर अपने घर बेंगलुरु फिर से पहुंचते हैं तो वहां पर इसी भालू को वो अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देते हैं। जब उनकी पत्नी उस ब्रूनो को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और उसके हाथ में उस समय एक रिबन था, उसकी पत्नी के हाथ में उस समय एक रिबन था, बहुत ही रंगीन बहुत सुंदर रिबन था। उस रिबन को वो ब्रूनो के गले में पट्टी की तरह बांध देती है, और उसी जस्ट बाद जो भालू का जो बच्चा रहता है उसका नाम वो ब्रूनो उसके बाद रखती है, क्योंकि उसको जब पता चलता है कि वो मेन है तो उसका, तो उसका नाम ब्रूनो रखती है। उस समय के जस्ट कुछ समय के बाद वो जो ब्रूनो यानी छोटा सा भालू का जो बच्चा रहता है वो बोतल से दूध पीना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करने के बाद वो लगभग सब कुछ खाना चालू कर देता है, चाहे वो मसाला हो, अंडा, मीट, रोटी, फिर कढ़ी चावल, कुछ भी, हर चीज वो खाना चालू कर दिया था। जो भी वैरायटी घर में जो एक इंसान खाता वही सारा चीज भालू भी खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करते करते उस बंगले में दो कुत्ते रहते थे, और जो किराएदार थे, किराएदार के बच्चों के साथ, बंगले में रहने वाले दो कुत्तों के साथ, सभी के साथ ब्रूनो का अच्छा खासा लगाव हो गया था। ब्रूनो सभी साथ जाता था, खेलता था, और सभी के साथ रहता था, सभी का लगाव ब्रूनो से बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद फिर ऑथर बोलते हैं कि ब्रूनो अपना ज्यादातर समय खेलने में बिताता था, कभी वो किचन में जाता था, कभी ऑथर के बेड में सोया हो रहता था, वो ज्यादातर समय अपना ऑथर के बेड में सोने में, किचन में या फिर खेलने में बिताता रहता था। एक बार, मतलब उसका बोलता होता है कि एक बार ब्रूनो के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। वो घटना ये थी कि ऑथर में चूहों से बहुत ज्यादा परेशान थी, मतलब ऑथर जो घर था उस ऑथर घर में एक रूम में बहुत ज्यादा कॉपी किताब रखा होता था, वही जगह पर चूहे भी बहुत आते थे, और चूहे उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उनके बहुत सारे कॉपी किताब काट दिया था चूहा, अब किसी को परेशान कर किसी हर एक आदमी को लगेगा ही, बहुत गुस्सा आएगा ही। उस तरह से ऑथर उन चूहों को भगाने के लिए वहां पर जहर रख देते हैं, एक दवाई रख देते हैं जो जहरीला था, और जब रख के जब चल जाते हैं तो ब्रूनो थोड़ी देर बाद उसी रूम में जाता है, वो थोड़ा सा जहर को चाट लेता है। चाटने के बाद फिर वो जो ब्रूनो रहता है, ब्रूनो का जो पैर होता है, पैर चलना बंद हो गया, पैर काम ही नहीं कर रहा था उसको, फिर भी जो ब्रूनो होता है किसी तरह से घसीटते उसीटते किसी तरह से अपना पैर के ऊपर का मसल का यूज करते हुए उसकी पत्नी के पास पहुंचता है, मतलब उसकी पत्नी मीन्स ऑथर की पत्नी के पास पहुंचता है। तो ऑथर की पत्नी तुरंत ऑथर को आवाज लगाती है, ऑथर तुरंत आते हैं, ब्रूनो को गाड़ी में रखते हैं और चल जाते हैं। ऑथर को पता था कि ब्रूनो के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वही दवाई रखे थे, इसलिए उनको पता था ये एक्सीडेंट के बारे में। तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं जानवरों को, उसे बताते हैं एक्सीडेंट के बारे में।
तो डॉक्टर तुरंत ही अपनी किताब को खोलता है और देखने लगता है कि इस जहर के लिए कौन सी दवाई सक्षम है। जब डॉक्टर होता है, डॉक्टर को मिल जाता है अपनी किताब में कि ब्रूनो की यह क्या हालत है, किसके कारण हुई है और उसकी दवाई क्या है। इस तो वो डॉक्टर बताता है कि ब्रूनो कभी लकवा मार चुका है और उसकी दवाई पर उसको फिर ऑथर को बोलता है कि आप ब्रूनो को लेके आइए और हम जाते हैं दवाई लेके आते हैं और इंजेक्शन लेके आते हैं। तो जो ऑथर होता है अपनी कार में जाता है ब्रूनो के पास, तो देखता है कि ब्रूनो का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ब्रूनो एकदम हिल डोल नहीं पा रहा था, ब्रूनो एकदम सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत बार उल्टी भी कर चुका था वो, और ब्रूनो का जो सांस ले रहा था उससे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। ब्रूनो का मुंह खुला हुआ था एकदम, उसका अपना हाथ पर नहीं हिला पा रहा था, एकदम कांप रहा था ब्रूनो अंदर से एकदम। ब्रूनो कंडीशन उस बहुत एकदम बहुत नाजुक था उसका कंडीशन बहुत ज्यादा, ब्रूनो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था ब्रूनो। तो उसके जस्ट बाद जो ऑथर होते हैं, तो ऑथर ब्रूनो को लेकर तुरंत अंदर जाते हैं। तो डॉक्टर जो ब्रूनो को जो डॉक्टर होता है ब्रूनो को 10 cc का एक इंजेक्शन देता है, तो फिर भी 5 मिनट के बाद भी ब्रूनो की हालत में कोई सुधार नहीं आता है। बस उसका हाथ थोड़ा सा ठीक होता है, हाथ पर थोड़ा सा हिलान लगता है। उसके जस्ट बाद फिर से डॉक्टर उसको 10 cc का एक और इंजेक्शन देता है। उसके बाद जस्ट आधा घंटे के बाद ब्रूनो हिल डोल करने लगता है और इधर उधर होने लगता है, और उस आधे घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रूनो को बस बॉडी प्रॉब्लम था, और जस्ट थोड़ी देर के बाद ही उस जस्ट 1 मिनट के बाद जो ब्रूनो होता है, ब्रूनो एकदम उठ खड़ा होता है, और उठ खड़ा होने के बाद फिर तुरंत वो अपना खाना खाने लगता है। और उसका तो ऑथर को देख के वो ऐसे कर रहा था, ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसा कि वो दिखाना चाहता हो कि मेरे जैसे बड़े जानवर को चूहे मारने की दवाई क्या कर पाएगी, ये दिखाना चाहता था वो ऑथर को। ब्रूनो के साथ एक और घटना हुआ था कि ऑथर जो था अपनी कार का टंकी से इंजन ऑयल निकाल करके रखा था, तो जैसे ही ऑथर वहां से जाता है तो ब्रूनो जो होता है फटाफट उस इंजन ऑयल को आराम से गड़ा गड़ा कर पी जाता है। उसके पीने के बाद वैसे उसके बाद ब्रूनो को खास फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा था उसके पीने का, इसलिए उस समय कोई इतना बड़ा घटना नहीं था। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि कुछ महीनों के बाद ब्रूनो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। वैसे भी कोई भी जीव होता है बहुत जल्दी ही बड़ा होता है, खास कि भालू से तो बड़ा तो होता ही है। उसको तो ऑथर बोलते हैं कि वो इतना बड़ा हो चुका था कि एकदम बड़े बड़े कुत्तों की तरह लगता था, वो कुत्तों से ज्यादा बड़ा लगता था वो, मतलब जो सबसे उसी मतलब के सबसे जो बड़ी जाति के जो कुत्ता होता है उससे भी बड़ा लगता था देखने में। तो ब्रूनो एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी शैतानियां उसी थी, बचपना करता था वो, यानी कि उसमें जो बच्चा जैसे था वो वैसा ही था, वो एकदम कोई अंतर ही नहीं था उसमें। अभी भी वो मस्ती ही में लगा हुआ रहता था, अभी भी खाली खेल कूद में लगा हुआ रहता था, मतलब उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ, उसका शरीर बड़ा हो उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब ब्रूनो जो था वो कमांड को फॉलो करने लगता था, जैसे कि ऑथर जब उसको कोई भी कमांड देते थे तो कमांड वो फॉलो करने लगता था। चलिए दोस्तों, ये बहुत हो गया इतना, अब बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ ये वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो बहुत लंबा खींच भी चुका है, सो बाय बाय। इतना हो रहा है, फिर से एक बात बोलना भुला गया, आप किसका इंतजार कर रहे हो भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, टिप दो ना बटन, कितना बोलेंगे तुमको, थोड़ा तो प्यार दिखाओ यार, इतना जान लिए, इतना सीख लिए, अब थोड़ा प्यार दिखाओ, ठीक है, बाय बाय अगेन।